हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विथ अनदर न्यू वीडियो। तो जैसा हम सबको पता है कि राखी आने वाला है, तो आज के वीडियो में मैं 5 डिफरेंट राखी बनाने वाली हूँ, वो भी बहुत ही इजी तरीके से। तो चलो फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट राखी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है ट्रांसपेरेंट शीट। तो कपड़े का जो टैग होता है मैं उसका यूज़ कर रही हूँ। आप इसकी जगह पे कोई अदर ट्रांसपेरेंट शीट का भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप थिन कार्डबोर्ड का भी यूज़ कर सकते हो। आप जो भी शीट का यूज़ करो वो थोड़ा थिक होना चाहिए, क्योंकि वो बेस रहेगा तो वो स्ट्रांग होना चाहिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्रो लिखा है, आप भैया या फिर नाम भी लिख सकते हो। अब मैं जस्ट इसके ऊपर लाइन स्टोन चिपका रही हूँ और बिल्कुल अच्छे से हम इसे बैठाते जाएंगे। आप चाहो तो इसके जगह पे बॉल चेन या फिर छोटे स्टोन का भी यूज कर सकते हो। अब मैंने इसे बिल्कुल अच्छे से चिपका लिया है। इसके सूख जाने के बाद हम इसे कट कर लेंगे। आप पहले कट मत करना, इसे अच्छे से ड्राई होने देना, उसके बाद कट करना, वरना आपका सारा स्टोन निकल जाएगा। तो इस तरीके से कट करने में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, तो आप पहले ही नाम लिख के उसे कट कर लेना, उसके बाद आप उसके ऊपर राइन स्टोन या फिर कुछ भी चिपका सकते हो। तो बांधने के लिए मैंने यहाँ पे वूल लिया है। हम इसे पतला करके पूरा गूंथ लेंगे। पूरा गूंथ लेने के बाद मैंने किनारे में इसे बांध लिया है ताकि ये खुले ना। अब ग्लू लगा के हमने जो ब्रो को रेडी किया था उसे हम चिपका लेंगे। तो ये राखी हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे बिल्कुल अच्छे से ड्राई होने देंगे और इसका जो व्हाइट ग्लू है ये विजिबल हो रहा है। ये ड्राई हो जाने के बाद ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, तब ये बिल्कुल ठीक से दिखेगा। तो अब बनाते हैं हम अपना सेकेंड राखी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये लेस लिया है और इसे हम स्क्वायर में कट कर लेंगे। उसके बाद हम इसे डेकोरेट करेंगे। तो मुझे छोटा सा लीफ चाहिए था जो कि मेरे पास था नहीं, तो मैंने इस तरीके से बना लिया। फिर मैं यहाँ पे आर्टिफिशियल फ्लावर लगा रही हूँ और जो हमने लीफ कट किया था उसे भी हम यहाँ पे चिपका लेंगे। इस वाले राखी में मैंने कोई बेस नहीं दिया है, मैंने जस्ट इसी तरीके से इसे बनाया है। आप इस तरीके से भी बना सकते हो या फिर आप बेस के ऊपर भी चिपका के इसे बना सकते हो। बहुत कोई को चिपकाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसकी जगह पे आप बेस का यूज कर सकते हो, उससे थोड़ा इजी हो जाता है। पर मैंने यहाँ पे डायरेक्टली इसे इसी तरीके से बना दिया। उसके बाद राखी को बांधने के लिए मैंने यहाँ पे सिल्वर लेस लगाया है और पीछे के एरिया को भी हम कवर कर लेंगे। तो अब हमारी सेकेंड राखी भी रेडी हो चुकी है। तो अब बनाते हैं हम अपना थर्ड राखी। तो मैंने यहाँ पे लिया है एक थिन कार्डबोर्ड, हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करके इसे कट कर लेंगे। तो अब इसे हम कवर करेंगे। तो मैं यहाँ पे रिबन से कवर कर रही हूँ, आप इसके जगह पे फैब्रिक का भी यूज कर सकते हो। तो अच्छे से कवर हो जाने के बाद हम इसे ड्राई होने देंगे। तो इस वाले राखी में मैं मिरर का यूज कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे छोटे छोटे मिरर्स लगा रही हूँ। तो राखी से रिलेटेड वीडियोस और भी चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज जरूर शेयर करूंगी, जो कि बजट फ्रेंडली हो और इजी भी हो, जिसे हर कोई बना सके। और बाजार वाली राखी तो काफी एक्सपेंसिव होती है, मतलब जो पसंद आता है वो एक्सपेंसिव ही मिलता है, और जो थोड़ा लो बजट वाला होता है वो पसंद ही नहीं आता। इससे अच्छा हम क्यों ना हैंडमेड राखी ही बना ले अपने अकॉर्डिंग, जैसा भी हमें चाहिए, जैसा भी डिजाइन चाहिए उसे हम क्रिएट कर सकते हैं। वैसे भी हैंडमेड राखी बाजार वाली राखी से काफी अलग होता है। तो अब हमारा ये थर्ड राखी भी कंप्लीट हो चुका है। तो चलो अब बनाते हैं हम अपना फोर्थ राखी। उसके लिए लिया है मैंने यहाँ पे थिन कार्डबोर्ड, यहाँ पे भी हम एक सर्कल कट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे इस लेस का यूज कर रही हूँ, जो कि पहले से ही इस तरीके से गोल शेप में बना हुआ है। अगर आपके पास इस टाइप का लेस नहीं है तो आप इसके जगह पे फैब्रिक का भी यूज कर सकते हो। मैंने ये दिवाली के टाइम ही खरीदा था, दिवाली डेकोरेशन के लिए, तो कुछ चीज़ें मेरे पास बच गई थी तो मैं इसका यूज़ राखी बनाने के लिए कर रही हूँ। तो अब मैंने यहाँ पे ईयरबड लिया है, तो मैं यहाँ पे इसे पेंट कर रही हूँ और मैं यहाँ पे इसे ग्लिटर भी लगा रही हूँ। तो कुछ में मैंने पेंट किया है और कुछ में मैंने ग्लिटर लगाया है, और इसी तरीके से हमें बहुत सारे रेडी कर लेना है। फिर हम इसे कट कर लेंगे और इसी तरीके से मैंने बहुत सारे बना लिए हैं। तो मैं अपने इस राखी को ईयरबड से डेकोर कर रही हूँ, तो हमें इसे कुछ इस तरीके से चिपकाते जाना है। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये गोल्डन लेस। आप चाहो तो इसके जगह पे कोई अलग थ्रेड का भी यूज़ कर सकते हो, पर मैं थीम के अकॉर्डिंग गोल्डन ही रख रही हूँ। तो बैक साइड में इसे भी हम अच्छे से चिपका के पीछे वाले एरिया को कवर कर लेंगे। तो ये हमारी फोर्थ राखी भी रेडी हो चुकी है।
तो अब चलो हम अपना बनाते हैं फिफ्थ राखी। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ कुंदन स्टोन, तो इसे हम अपने बेस में चिपका लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे राइन स्टोन और बॉल चेन का यूज कर रही हूँ, तो मैंने इस तरीके से पूरा स्टोन को कवर कर लिया है, मतलब किनारे में मैंने इसे इस तरीके से लगा लिया है। तो मैंने यहाँ पे राइन स्टोन, बॉल चेन एंड हाफ कट स्टोन मैंने यहाँ पे चिपकाया है। उसके बाद एक्स्ट्रा सीट को हम कट करके निकाल लेंगे। तो इस राखी को बांधने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है ये मूली धागा, तो साइज के अकॉर्डिंग हम कट कर लेंगे जितना हमें चाहिए। तो धागे को हम अच्छे से चिपका लेंगे और पीछे के एरिया को हम कवर कर लेंगे। तो धागे में यहाँ पे मैं मोती लगा रही हूँ, तो दोनों साइड में हमें मोती लगा लेना है और धागे को हम कुछ इस तरीके से बांध लेंगे ताकि हमारा मोती निकले ना। तो अब हमारी ये फिफ्थ राखी भी रेडी हो चुकी है। तो देखा कितना आसान था ये सारा राखी बनाना। मुझे नहीं लगता इसे बनाने में किसी को कोई प्रॉब्लम होगा, इसे कोई भी बना सकता है, कोई भी क्रिएट कर सकता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि ये उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो। तो मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।